बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है। और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भगवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भगवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भगवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे? मोहन भगवत, बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भगवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है। मगर नहीं मिलेंगे, मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमालिश कर दिया जाता है, मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है, मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भगवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भगवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भगवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे? मोहन भगवत, बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भगवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है। मगर नहीं मिलेंगे, मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमालिश कर दिया जाता है, मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है, मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।